सृष्टि के आरंभ में दर्शन विद्या कहाँ से आई? वेद कब से? तो तभी से दर्शन विद्या भी है। समय समय पर उसके प्रवक्ता बदलते रहते हैं। आज गणित की पुस्तक है 10वीं क्लास की, उस पर लेखक का नाम है आरबी अग्रवाल। तो क्या आरबी अग्रवाल ने गणित विद्या का आविष्कार किया? तो उसके पास कहाँ से आई? पीछे से आई। 50 साल पहले कोई और लेखक था, इसी पुस्तक का, 10वीं के गणित का पुस्तक का लेखक कोई और था। अब अगले 50 साल में आरबी अग्रवाल ने देखा भाई इसको थोड़ा ठीक ठाक करके व्यवस्थित कर दें, तो उसने व्यवस्थित कर दिया, उसका नाम छाप दिया। तो वो तो विद्या तो करोड़ों साल से चली आ रही है, क्या लाखों करोड़ों वर्ष पहले गणित विद्या नहीं थी? वो कहाँ से आई थी? वेद में से। तो दर्शन, वेद, उपनिषद, वेद में से ही सारी विद्याएं निकली, दर्शन भी, आयुर्वेद भी, व्याकरण भी, भाषा विज्ञान भी, सारी विद्याएं वेदों में से आई, सृष्टि के आरंभ से ही हैं ये सारी विद्याएं। ऋषियों ने उनको वेदों से सीखा और अलग अलग पुस्तकें बना दी, वेदों में से निकाल के अलग बनाया। हाँ, और फिर वो चलती रही चलती रही। 200 400 500 साल के बाद, 1000 साल के बाद कोई नया लेखक आया, उसने उसको ठीक ठाक कर दिया उस ज़माने के हिसाब से, तो उसका नाम छप गया। तो योग विद्या पतंजलि महाराज ने थोड़ी बनाई है, उनसे पहले भी योग विद्या थी, पहले किसी और लेखक का नाम था, अब उन्होंने ठीक ठाक कर दिया तो उनका नाम चल पड़ा। अब 1000 साल के बाद कोई और आएगा, वो इसको तोड़ मरोड़ के ठीक ठाक कर देगा तो उसका नाम चल पड़ेगा। तो ये नाम बदलते रहते हैं। विद्या तो सृष्टि के आरंभ से है, वेदों से है।